मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के 5th एपिसोड के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था यार भाई सब रोंगटे खड़े हो गए थे इसके 5th एपिसोड के लास्ट में जाते जाते, क्योंकि एरन येगर फाउंडिंग टाइटन के रूप में ट्रांसफर होता है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसका देखने को मिलता है। लेकिन मुझे अब यह समझ नहीं आ रहा इसके 6th एपिसोड के बारे में क्या कहूं, क्योंकि यार इतना ज्यादा एंटरटेनिंग और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस एपिसोड के अंदर, मतलब मैं अपनी खुशी आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूं सही ढंग से। अब देखो यार रात के 1 बजा हुआ है तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मतलब मैं चिल्लाकर तो कहना चाहता हूँ कि यार कमाल का एपिसोड था, अगर मैंने चिल्लाया तो पड़ोसी आ जाएंगे भाई सब कुछ हो गया हो यहाँ पे दिक्कत। खैर आप मेरी एक्साइटमेंट समझ पाओगे, मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। अब बोलो क्या कहूं, आप क्या कहोगे इस एपिसोड के बारे में? यार इसके लिए शब्द नहीं है यार इसको बयां करने के लिए, और केवल ये इकलौता सीन नहीं है, पूरा का पूरा एपिसोड इतने अच्छे अच्छे सीन, इतने बढ़िया एक्शन से भरा हुआ है कि सांसें रुक जाती हैं यार। और ये एपिसोड केवल मैंने एक बार नहीं देखा, मैंने इसको कम से कम 5 बार देखा, बार बार वो वाला फाइटिंग वाला सीन जहां पर यार मतलब एरन येगर और इसके वॉरहैमर टाइटन के बीच में लड़ाई हो रही है और कैसे उसको धोया जा रहा है, बार बार मैंने इसको देखा, इतना ज्यादा एंटरटेनिंग है, इतना ज्यादा यार मतलब फिर से वही चीज सामने आ रही है, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को यार, कैसे बताऊं, मतलब चमक देख रहे मुस्कान की। अब एक्साइटमेंट लेवल तो और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं तब मिकासा की एंट्री होती है। देखो यार एंट्री सबसे ज्यादा मायने रखती है, बाद में बेशक हमें मिकासा दिखेगी, बाकी एपिसोड में एरन दिखेगा, वो और भी सारे करेक्टर हमें दिखेंगे, लेकिन जो एंट्री होती है ना भाई साहब उसका तो अलग ही टशन होता है। और जो मिकासा जो फर्स्ट सीजन में मेरी फेवरेट एनिमे करेक्टर थी इसके अटैक ऑन टाइटन के, और जब उसकी एंट्री में देखना चाह रहा था यार ये जब आएगी तो क्या होगा, और कमाल का था। अब देखो यार बेशक तुम लोगों ने इसको देख रखा हो बट तुम देखना तो चाहोगे, मेरे साथ देखो यार मिलकर। इमादा मिकासा अब जितनी कमाल की एनिमेशन इन्होंने की है मापा स्टूडियो के, भले ही आप लोगों ने इसके 5 एपिसोड देख लिए और उसमें आपको एनिमेशन का पता ना चला हो, आप कहोगे क्या रहा यार 19-20 है, लेकिन इसके 6th एपिसोड में आप लोग यार इसके दीवाने हो जाओगे, इतनी जबरदस्त एनिमेशन, सोने पे सुहागा वाली बात कर रखी है इन्होंने। अब देखो यार मिकासा की एंट्री होगी, एरन येगर की भी एंट्री होगी, तो अपना फेवरेट खलनायक नायक जो भी है कैप्टन लीवाई यार इसकी एंट्री यार ये भी देखना तो बनता ही है ना। भाई साहब लीवाई का खौफ है खौफ, मतलब ये इंसान ऐसा है, इसका टाइटन जो है इसके सामने मतलब पानी भरते हैं, मतलब 20 टाइटन को इसने ऐसे धूल चटा दी थी वो ड्रो कह के भाग गया, तो और इस बार जो टाइटन भाई वो ये बोल रहा है कि यार मैं टाइटन हूं कुछ तो मुझसे डर लो यार, शर्म करो यार, तुम इंसान हो और तुम इंसान हो के मुझे मार रहे हो। वो वाला मैंने सुन दी ये चीज सुनी मैंने जब कैप्टन लीवाई का वो एक्सप्रेशन देखा, मैं सच कह रहा हूँ यार ये इंसान अपने एक्सप्रेशन से टाइटन को मार सकता है। खैर ये जितना भी हुआ इस 6th एपिसोड में, सबसे ज्यादा खतरनाक एक चीज जो मुझे लगी वो था एरन यार, जो इसका रूप सामने आया है ना वो बहुत भयानक है यार, इतनी अपोजिट पर्सनैलिटी होगी इस इंसान की, इसको
कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, मतलब बच्चे मर रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जब मैंने ये वाला सीन देखा था तो मुझे इसके अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड की बात याद आ गई थी, जहां पर सेम चीजें फिर से रिपीट हुई थी, यही चीजें पहले हो चुकी थी और ये यहां पर अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के सिक्स्थ एपिसोड में रिपीट हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि यार दोनों ही तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं, मासूम लोग दोनों ही तरफ मरे हैं, तो यार ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। एट द एंड अगर कोई पता भी चलता है कि कौन जीतता है और हम उसको कहें कि यार ये सही है, लेकिन किस बेस पे कहें, क्योंकि दोनों ही तरफ दोनों ने भरपूर कत्लेआम कर रखा है, मासूम बच्चों का मासूम लोगों का बहुत ज्यादा कत्लेआम किया है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मारले लोगों की, यार इन लोगों ने यार कुर्बानी देने के पीछे कम नहीं है, जैसे कि विली ने किया। इस इंसान को पता था कि अगर ये स्टेज पे जाएगा तो भाई साहब ये बचेगा नहीं, क्योंकि अटैक हो सकता है और अटैक होगा तो ये जान से जाएगा, ये जानते हुए भी ये जाता है। लेकिन एक तरीके से ये इंसान अपना एक चारे के रूप में, ताकि एटलीस्ट उनको सामने तो लेकर आए और उसकी कुर्बानी वेस्ट ना जाए, इसका वॉरहैमर टाइटन बदला लेता है या लेती है उसकी जो बहन होती है। देखो यार मैं पहले कह दूं ये एक रिव्यू नहीं है, क्योंकि मेरा मन था कि आप लोगों के साथ अच्छे से इस एपिसोड के बारे में बात करूं, तो इसलिए रिव्यू मत कहना कि नीचे लिखो यार स्पॉइलर दे दिया स्पॉइलर दे दिया, ऐसा नहीं है यार। हाँ मांगा वाले स्पॉइलर मत दे देना यार। और जब वॉरहैमर टाइटन सामने आता है भाई मैं क्या कहूं यार, मतलब इतनी उम्मीदें थी उस टाइटन से, हाँ काफी अच्छी पावर है उसके पास, मतलब कोई भी हथियार वो बना सकता है, हवा मतलब मटेरियल से सख्त करके उसको कोई भी हथियार वो बना सकता है, चाहे वो तलवार हो चाहे हैमर हो या क्रॉसब्रो हो, कुछ भी वो बना सकता है। लेकिन यार जो उसकी हालत, जो मिकासा ने अकेली एक लड़की मिकासा ने उसकी जो हालत टाइट कर दी ना यार, वो भाई साहब उसको ना घुटनों पे लाके रख दिया था। और वहां पर फिर एरन, ये भी इंसान सामने आता है, बहुत अच्छी इस बार इसने, इस इंसान को पता है कि इसको क्या करना है, इस बार बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब एक विपरीत भले ही अपोजिट पर्सनैलिटी देखने को मिली, लेकिन हाँ यार इस चेहरे, इस इंसान का चेहरा आप देखो ना, इतना सीरियस है। मिकासा इसको कहते भी है यार तूने क्या क्या दिया है, यहाँ पे बच्चे मर गए हैं, मासूम लोग मर गए हैं, इन्हें तू जिंदा नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें वापस नहीं ला जा सकती हैं। यार उसकी उस लड़की के ऊपर ये दिखता है कि हाँ उसको रिग्रेट है, ये सब चीजें हुई हैं, मासूम लोग मरे हैं, लेकिन इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब जैसा मैंने सुना था, मैंने सुन रखी है थोड़ी बहुत, मतलब अफवाहें सुन रखी हैं कि यार एरन यागर का इस बार जो किरदार होने वाला ना वो बहुत भयंकर होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करना, बट कोई भी स्पॉइलर मत दे देना जिन्होंने मांगा पड़ रखी, मैं बार बार कहता हूँ, वैसे आते तो नहीं है कमेंट बट थोड़े बहुत आ जाते हैं, उसमें स्पॉइलर तो नहीं आने चाहिए, एक बार आ गया था, कोई ना स्पॉइलर मत दे देना यार। और जिन्होंने नहीं देखा है यार तुम पहले जाकर देखो इस चीज़ को, तुम मतलब मैंने जब अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन को फिर से देखा, फिर से इस एपिसोड को खत्म करने के बाद, जैसे ही मैं इसका फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड देखने के, यार इतना अच्छा लग रहा था उसको दोबारा से देखने में। तो मैं ये कहूंगा कि यार जिन्होंने नहीं देखा एक बार एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखो, तुम दीवाने हो जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।